सो रोल्स थ्योरम के आज जो क्वेश्चन है वो फिनिश करेंगे. इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर दिस फंक्शन फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 1,3 एंड सी का वैल्यू ये दिया हुआ है, यो वैल्यू है ए और बी के बीच में जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बनता है, तो हमको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है. नाउ एक अप्रोच तो ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, 3x² प्लस 2px प्लस क्यू, और फंक्शन का डेरिवेटिव सी पे इस वैल्यू पे 0 है, ये दिया ही हुआ है, तो 3 × 2 प्लस 1/√3 द होल स्क्वायर प्लस 2p × 2 प्लस 1/√3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और यहाँ से p और q हमको निकालना होगा. अच्छा एक और चीज़ है कि रोल्स थ्योरम इसके लिए होल्ड करता है, रोल्स थ्योरम इसके लिए होल्ड करता है मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 पे और फंक्शन का वैल्यू 3 पे सेम होना चाहिए. फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना है, पी प्लस क्यू प्लस 5 शुड बी इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 3 पे, तो 27 प्लस 9p प्लस 3q प्लस 5. तो यहाँ से पी क्यू का एक इक्वेशन, यहाँ से पी क्यू का दूसरा इक्वेशन मिलेगा और उनको सॉल्व करना होगा पी और क्यू निकालने के लिए. बट ये काफ़ी लेंदी अप्रोच है, तो हम लोग एक शॉर्टकट अप्रोच लगाएंगे इस सब में. तो देखो इसका शॉर्टकट अप्रोच क्या है, नाउ fx इज गिवन टू अस, fx इज x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 5, f डैश ऑफ c 0 होगा, तो f डैश ऑफ x क्या है देखो, 3x², तो 3c² प्लस 2pc प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, कि फंक्शन का डेरिवेटिव है 3x² प्लस 2px प्लस क्यू, और फंक्शन का डेरिवेटिव c पे f डैश ऑफ c 0 होगा, f डैश ऑफ c क्या होगा, 3c² 2pc प्लस क्यू, तो ये 0 होगा. अब ये c की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, c की वैल्यू हमको दी हुई है, c है 2 प्लस 1/√3, तो c की हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, तो c माइनस 2 का वैल्यू द होल स्क्वायर होगा 1/3, 2 इधर शिफ्ट कर दो, स्क्वायर कर दो, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, सो इसका स्क्वायर लगाएंगे, तो c² माइनस 4c प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3, तो 3c² माइनस 12c प्लस 4, 3 × 12 इज इक्वल टू 1, 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 0. तो देखो ये दोनों इक्वेशंस आ गए, दोनों c के ही हैं, यहाँ पे 3c² है, यहाँ पे भी 3c² है. अब कंपेयर करो, 2p का वैल्यू यहाँ पे माइनस 12 होना चाहिए, तो 2p का वैल्यू माइनस 12, p का वैल्यू माइनस 6, q का वैल्यू कितना होना चाहिए, 11, q का वैल्यू 11. तो ऐसे हमने अलग तरीके से p और q की वैल्यू निकाली हुई है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. नंबर 5 में ये दिया है, रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस 2 log x. x belongs to 1,2. Show that the equation, show equation x into log x is equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of x, at least one value of x in 1,2. ठीक है, तो रोल्स थ्योरम इसके लिए इन दोनों पॉइंट्स पे होल्ड करता है. ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव पहले निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, x माइनस 2 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव. अच्छा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 होगा, तो f डैश ऑफ c क्या होगा, ये f डैश ऑफ x है, f डैश ऑफ c क्या होगा, c माइनस 2 अपॉन c प्लस log c, ये इक्वल टू 0 होगा. और c कहाँ लाए करेगा, c लाए करेगा 1 और 2 के बीच में. तुम्हारे पास ये चीज़ आ गई, देखो c की एक इक्वेशन है और c 1 और 2 के बीच में लाए करेगा, ये रोल्स थ्योरम हमने अप्लाई किया हुआ है. तो हम लोग c को थ्रू आउट c से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c माइनस 2 प्लस c log c इक्वल टू 0 होगा, एंड c बिलोंग्स टू
वन कॉमा टू। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी की जगह पे एक्स लिख देंगे, तो एक्स माइनस टू प्लस एक्स लॉग एक्स विल बी ज़ीरो। ये इक्वेशन ज़ीरो बनेगी कब, एक्स के एक वैल्यू के लिए एक्स वन और टू के बीच में लाई कर रहा होगा, हमने सी को एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो इस इक्वेशन का एक रूट है वन और टू के बीच में। तो यही प्रूव करना था, शो दैट इक्वेशन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। देखो अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स लॉग एक्स लेफ्ट साइड पे रखा, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे टू माइनस एक्स, तो इस इक्वेशन का एक रूट है एक्स और एक्स वन और टू के बीच में लाई करता है। वही प्रूफ करना है, शो दैट एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स इज सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इन वन कॉमा टू। तो बहुत सिंपल है, रोल्स थ्योरम आपको लगाना है, फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करना है। हमको पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो होता है फॉर वन वैल्यू ऑफ सी इन वन कॉमा टू, बस वही कंसेप्ट हमने लगाया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस थ्री इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाय टू सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन माइनस थ्री कॉमा ज़ीरो। ये रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो होता है, सी की वैल्यू निकालो। तो फंक्शन का वैल्यू माइनस थ्री पे देखो कितना है, अगर आप इसमें एक्स का वैल्यू माइनस थ्री पुट करते हो, माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो, फंक्शन का वैल्यू ज़ीरो पुट अप करो, एक्स का वैल्यू ज़ीरो पुट किया स्टिल ये ज़ीरो। कहने का मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, तो तीन फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालें इधर। अच्छा ये भी कर सकते हो, फंक्शन को ऐसा लिख दो, x को अंदर शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एक ये फंक्शन ई रेज टू माइनस एक्स बाय टू, ये दूसरा फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू इस टर्म का डेरिवेटिव प्लस ई रेज टू माइनस एक्स बाय टू इंटू इसका डेरिवेटिव। तो f डैश ऑफ c इक्वल टू ज़ीरो करो, इसमें x का वैल्यू c पुट अप करेंगे, तो सी स्क्वायर प्लस थ्री सी इंटू माइनस हाफ ई रेज टू माइनस सी बाय टू प्लस टू सी प्लस थ्री ई रेज टू माइनस सी बाय टू इक्वल टू ज़ीरो, और हमको c की वैल्यू निकालनी है। अब देखो दोनों तरफ ई रेज टू माइनस सी बाय टू से डिवाइड कर दो, तो ये टर्म चला जाएगा, टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी स्क्वायर प्लस थ्री सी इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू टू सी प्लस थ्री, ये ज़ीरो बनेगा। माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दो, माइनस सी स्क्वायर माइनस थ्री सी प्लस फोर सी प्लस सिक्स इज ज़ीरो, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस सिक्स इज ज़ीरो, सी स्क्वायर माइनस सी माइनस सिक्स इज ज़ीरो, इसके दो फैक्टर्स है सी माइनस थ्री सी प्लस टू इज ज़ीरो, तो सी का वैल्यू थ्री, या तो सी का वैल्यू माइनस टू होगा। अब रोल्स थ्योरम के हिसाब से ये सी किसके बीच में लाई करना चाहिए, माइनस थ्री और ज़ीरो के बीच में। देखो इन दोनों में से माइनस थ्री और ज़ीरो के बीच में कौन सा नंबर लाई करता है, ये वाला, तो सी इज़ माइनस टू। सो दिस फिनिशेस रोल्स थ्योरम सम्स, नाउ विल कम टू एल एम वी टी। सो एल एम वी टी इज लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। सो दो कंडीशन रोल्स थ्योरम जैसे ही है कि अगर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, फिर ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, तो आपको एक ऐसा सी पॉइंट मिलेगा ए और बी के बीच में सच दैट एफ डैश ऑफ सी होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। रोल्स थ्योरम में क्या फ़र्क था, एक तीसरी कंडीशन आती है एफ ए और एफ बी सेम है तो एफ डैश ऑफ सी ज़ीरो बनता है, ठीक है, बट यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है, दो कंडीशन वैसी ही हैं, सी ए और बी के बीच में ही लाया करता है सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मान लो ये एक इक्वेशन हमको दी हुई है, एक ग्राफ दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, ये एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट, फिर ये x इज इक्वल टू बी पॉइंट, ये है एफ ए और ये है एफ बी, तो ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है, ये a ये b, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, a के कोऑर्डिनेट्स है a कॉमा एफ ए
और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी कॉमा एफ बी। तो अगर आप ए और बी को ज्वाइन करते हो, ए और बी को ज्वाइन करते हो, तो इस सेगमेंट की स्लोप कितनी है, तो स्लोप ऑफ ए बी इट इज़ एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अच्छा, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेंजेंट हम लोग इस कर्व को बना सकते हैं। इस पॉइंट पे लगभग अगर आप एक टेंजेंट बना दो ऐसे, तो ये टेंजेंट इस ब्लैक कलर की लाइन को क्या है, पैरेलल। अच्छा, टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, मान लो ये पॉइंट है अपना सी, ये ए और बी के बीच में लाया करता है, तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ए और बी के बीच में सी लाया कर रहा है। अच्छा, इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, एफ डैश ऑफ सी होगी, क्योंकि हमने देखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव ही स्लोप होती है। तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या है, सेम, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, एफ डैश ऑफ सी। अच्छा, डायग्राम से देख के बता सकते हो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम है, मतलब ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। फिर व्हाट इज दिस सी पॉइंट, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, मतलब फंक्शन अगर कंटिन्यूस हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा ए और बी के बीच में जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हम लोग आते हैं डायरेक्टली एलएमवीटी के सम्स पे, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, वेरीफाई द एलएमवीटी, वेरीफाई करना है कि लग्रांज ने जो बोला वो ठीक बोला कि नहीं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स दिया हुआ है 1, e। तो अब हम लोग डायरेक्टली ये जो कंडीशन है ये लगा देंगे और चेक करेंगे कि ये जो सी पॉइंट है, जो हमको सी मिलेगा इसको सॉल्व करके, वो ए और बी के बीच में लाई करता है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं पहले 1/x, एफ बी निकालते हैं तो लॉग ई, एफ ए निकालते हैं लॉग 1, ए ये है बी ये है, लॉग ई क्या होगा 1, लॉग 1 क्या होगा 0, तो एफ बी आ गया, एफ ए आ गया, बी माइनस ए कितना है, ई माइनस 1। चलो ठीक है, तो कंडीशन लगा देते हैं ये वाली, एफ डैश ऑफ सी मतलब 1/c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये आ रहा है। तो ऊपर 1, यहाँ पे भी ऊपर 1 है, यहाँ पे सी, यहाँ पे ई माइनस 1 है, तो सी की वैल्यू ई माइनस 1 होनी चाहिए। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, ई अप्रॉक्सीमेटली 2.73 होता है माइनस 1, सो दिस इज 1.73। तो हमने क्या किया, ये वाली कंडीशन सॉल्व की और सी निकाला। अब 1.73 देखो, ये जो इंटरवल है 1, दिस इज 1, 2.73 और 1.73 इसके बीच में लाए करता है, तो जो एलएमवीटी लग्रांज ने बोला वो एकदम करेक्ट है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एंड वो जो सी पॉइंट है वो ए और बी के बीच में लाए भी कर रहा है, सो एलएमवीटी इज वेरीफाइड। इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो एफ एक्स दिया है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 एंड इंटरवल दिया है 0.4। तो पहले हम लोग एफ ऑफ 4 निकालते हैं, एफ बी निकालते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3, 2, 1। एफ ए निकालते हैं, एफ 0, ए मतलब ये, बी मतलब ये, तो एक्स का वैल्यू 0 पुट अप करो, माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3, दिस इज माइनस 6। एफ डैश ऑफ एक्स भी निकालते हैं, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव 1, फिर आएगा प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव 1, प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव 1। तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हम लोग को अप्लाई करना है और सी निकालना है। तो एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, सी माइनस 1, सी माइनस 2, सी माइनस 2, सी माइनस 3, सी माइनस 1, सी माइनस 3 इज इक्वल टू एफ बी, दिस इज 6, माइनस एफ ए माइनस 6 अपॉन बी माइनस ए। सो नाउ व्हाट डू वी हैव, सी स्क्वायर माइनस 3 सी प्लस 2, सी स्क्वायर माइनस 5 सी प्लस 6,
सी स्क्वायर माइनस फोर सी प्लस थ्री इज इक्वल टू 12/4। सो 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे ये टर्म्स है, यहाँ पे 3 है, दोनों तरफ 3 3 कैंसिल आउट होगा। और सी स्क्वायर दैट इज़ 3 c स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का टर्म हमने ले लिया। फिर c का इफेक्टिव टर्म है ये माइनस 9, तो माइनस 12 c, और बचा हुआ कांस्टेंट टर्म है 6 + 2 8 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक बन रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, c इज़ माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c बाय 2a। सो दिस इज 12 प्लस और माइनस रूट ऑफ, तो इन दोनों में अब हम लोग 4 इंटू 4 कॉमन निकालेंगे। अच्छा, 144 क्या होता है, 12 स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3 × 3 माइनस, यहाँ से 4 निकल गया, तो यहाँ पे आएगा 6/6। ये कैलकुलेशन क्लियर हुए, ये देखो 144, अगर आप इस टर्म को ऑब्जर्व करो, सिर्फ इस टर्म को, तो 144 क्या होता है, 12 स्क्वायर माइनस यहाँ पे है 4 × 3 × 8 को लिखेंगे 4 × 2, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, तो 4 × 3 स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 3 × 2। सो दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर बाहर निकाला है, यहाँ पे 3 स्क्वायर बचेगा माइनस 3 × 2 6। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 स्क्वायर × 3 स्क्वायर माइनस 6। तो यहाँ पे एक 4 बाहर आ जाएगा, या अच्छा ये 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 12 प्लस और माइनस 2 × 2 रूट ऑफ 3 × 3 इज़ 9, 9 - 6 इज 3 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 + √3/3। तो c के दो वैल्यूज़ आ रहे हैं, 6 + √3/3, 6 - √3/3। ना इसको अगर आप आगे कैलकुलेट करके देखो, तो 6 + √3 कितना होता है, 1.7 अप्रॉक्सीमेटली बाय 3, 6 - 2 × 1.7/3, तो ये कितना आएगा, 6 + 3.4/3, 6 - 3.4/3। सो ये वैल्यू कितनी आएगी, 9.4/3, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 2.6/3। तो अगर आप देखो, ये दोनों ही वैल्यू 0 और 4 के बीच में लाई करती हैं, तो दोनों ही वैल्यूज़ अलाउड है। तो रूट्स क्या हुए, एक ये रूट है, एक ये रूट है। अगर आप पीछे जाके देखो, तो 3 को इससे डिवाइड किया गया है, तो पहला रूट क्या होगा, 2 + √3, ये वाला रूट ऐसे लिखा जा सकता है। और इधर भी 3 को सेपरेट कर दो, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 - 2/√3। नेक्स्ट इज थर्ड, तो द फंक्शन इज x² - 3x - 1 एंड x belongs to -11/3, सॉरी -11/7 एंड 13/7। तो हमको वेरीफाई करना है LMVT, हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, 2c - 3 इज इक्वल टू, उसको इक्वेट कर देंगे FB, मतलब इस फंक्शन में बी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो 13/7 का स्क्वायर माइनस 3 × 13/7 -1, तो FB - FA, ए का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, -11/7² -3 × -11/7 -1 डिवाइडेड बाय B - A, 13/7 -11/7। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 कैंसिल आउट। नाउ सी, यहाँ पे है 13/7 का स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस साइन, -11/7 का स्क्वायर, अभी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, तो 11² / 7² इसको लिख सकते हैं। फिर इस टर्म को देखो, -13 × 3 = 39, 39/7। अब देखो ये -, प्लस होगा और ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये आएगा इफेक्टिवली -3 × 11 = 33/7 डिवाइडेड बाय -, प्लस होगा 13 + 11 इज 24/7। सो नाउ दिस इज इक्वल टू a² - b² का फॉर्मूला, a + b
ए माइनस बी माइनस 72/7 डिवाइडेड बाय 24/7. सो दिस इज इक्वल टू 24/7 2/7 माइनस 72/7 24/7. सब में डिनोमिनेटर में 7 एक कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे आएगा 48/7 माइनस 72/24. अब देखो ये नंबर 4 से डिविजिबल है. 4 6 are 24. 4 अगेन अगर आप 6 से डिवाइड कर दो तो 2/7 माइनस 3 ये आएगा. सो दिस इज फाइनली व्हाट 2 माइनस 7 3 इज़ 21/7 विच इज़ माइनस 19/7. ओके सो 2c माइनस 3 की वैल्यू हमको मिली माइनस 19/7. तो 2c की वैल्यू होगी माइनस 19/7 प्लस 3. सो 7 3 are 21 21 minus 19 2/7. तो 2c की वैल्यू 2/7 c की वैल्यू 1/7. तो ठीक है हमने LMVT लगाया हमने c की वैल्यू निकाली और ये जो c की वैल्यू है ये किसके बीच में लाया करती है a और b के बीच में इसी इंटरवल में ये सी लाया करता है. दस इट इज़ वेरीफाइड. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. fx = 2x - x² एंड x बिलोंग्स टू 0,1. f' ऑफ c तो 2 - 2c इज इक्वल टू fb. इसमें 1 वैल्यू पुटअप कर दो fb - fa. a का वैल्यू 0 पुटअप कर दो डिवाइडेड बाय b - a 1 - 0. सो 2 - 2c इज इक्वल टू 2/1. 2 कैंसिल आउट होगा एंड गेट c इज इक्वल टू 0. तो ये c इज इक्वल टू 0 और 1 मतलब a और b के बीच में लाई कर रहा है. दस इट इज वेरीफाइड. LMVT इज वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 5. तो fx दिया हुआ है x - 1/x - 3 और a और b की वैल्यू ये दी हुई है 4,5. फिर वही करेंगे f' ऑफ c. पहले f' ऑफ x निकाल लेते हैं. x - 3 इंटू इसका डेरिवेटिव 1 माइनस x - 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x - 3 का स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा x - 3 माइनस x+1 डिवाइडेड बाय x - 3 स्क्वायर. सो दिस इज -2/x - 3 स्क्वायर. तो f' ऑफ c क्या होगा -2/c - 3 स्क्वायर. f' ऑफ c को इक्वेट टू क्या करना रहता है fb. b का वैल्यू पुट अप करो इस फंक्शन में तो 5 - 1/5 - 3 fb - fa. a का वैल्यू पुट अप करो तो 4 - 1/4 - 3 डिवाइडेड बाय b - a 4 - 5 - 4 = 1. तो f' ऑफ c ये है fb - fa/b - a. सो यहाँ पे आएगा -2/c - 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2 - 3/1. सो -2/c - 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 3. तो -2/c - 3 का स्क्वायर होगा -1. तो c - 3 का स्क्वायर होगा 2. देयरफॉर c - 3 का वैल्यू √2. c - 3 का वैल्यू -√2. c का वैल्यू 3+√2. c का वैल्यू 3 - √2. अब इंटरवल क्या दी हुई थी 0,1. ये डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करता बट अगर आप इसको कैलकुलेट करो 3 - 1.41 ये इसके बीच में लाई करता है. दस इट इज वेरीफाइड. तो यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है. एक्सरसाइज 2.3.